देख रहे हैं ये हुंडई ईयोन गाड़ी है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसको मैं चेक करता हूँ, देख रहे हैं स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। देख रहे हैं स्टार्ट होके स्टार्ट होना चाहता है लेकिन बंद हो जाता है। देख रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसमें स्कैनर लगा के चेक करते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए कार पीएम का स्कैनर मैं यूज करता हूँ, यही स्कैनर मैं लगाऊंगा। इसमें इसका ओबीडी यहाँ पर है, कनेक्शन दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा देखिए दिख गया, इसी में मैं लगाऊंगा अभी। लाइट जल गया, उसके बाद मैं चेक करता हूँ। फुल स्कैन पर जाना है, वो भी डिकनेक्ट यहीं पर लेगा। तो प्रिंट कर लेना जो बताएगा ना प्रॉब्लम। देख रहे हैं हुंडई का गाड़ी है, लाइसेंस नंबर छोड़ देते हैं। लाइसेंस नंबर मतलब प्लेट नंबर। मैं स्कैन ऑल पर क्लिक करता हूँ, स्टार्ट नहीं होता है तो कुछ भी हो सकता है। एम्बुलेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है या कहीं से तार टूटा हो सकता है, फ्यूज उड़ा हुआ हो सकता है। चेक कर लेता हूँ। थोड़ा मैं स्किप करता हूँ वीडियो, इसको 100% होने देता हूँ। देखिए इसको मैं चेक किया हूँ, इसका टंकी मोटर नहीं चलता है, जैसे कि देख सकते हैं। आवाज़ आना चाहिए टंकी से, टंकी से आवाज़ नहीं आता है। देखिए मैं तो चेक कर लिया हूँ, यहाँ पर लाइन ही नहीं आता है। इसका वायरिंग चेक करना होगा, नहीं तो सबसे पहले मैं फ्यूज चेक कर लेता हूँ। फ्यूज चेक करके उसके बाद मैं वायरिंग चेक करूँगा। यहाँ पर लाइट नहीं आता है, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये दो वायर आपको दिख रहा होगा, वाइट और ब्लैक, वाइट और ब्लैक दिख रहा है। ये वाइट ब्लैक में ही 12 वोल्ट करंट आता है, देख लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर में करंट नहीं आ रहा है, देख रहे हैं 12 वोल्ट आना चाहिए। ऐसे इधर से भी चेक किया जा सकता है, देख रहे हैं कोनों में नहीं आ रहा है। अर्थिंग इसका सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए आर्थ इसका सही है, देख रहे हैं ये आवाज़ कर रहा है, सही इसके सामने लेके आइए। देख रहे हैं आवाज़ कर रहा है, यार आर्थ इसका सही है, मेन लाइन में फॉल्ट। इसका फ्यूज में चेक कर लेता हूँ, फ्यूज में ही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर इसका फ्यूज क्लस्टर रिसीवर इग्निशन सारा कुछ यहाँ पर तो लगता नहीं है। फ्यूल पंप का यहाँ पर फ्यूज नहीं है। देखिए ये अंदर का फ्यूज है इसका, मैं टोटल चेक कर लिया हूँ, सब ठीक है। आगे मैं चेक कर लेता हूँ, आगे में प्रॉब्लम तो है भी। देखिए इसका यही इंजन है, दिख रहा होगा हुंडई ईयोन गाड़ी है ये। यहाँ पर इसका फ्यूज बॉक्स होता है, देखिए मैं फ्यूज चेक कर रहा हूँ टोटल। ये इसका ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये फ्यूज में दिक्कत है, 15 एम्पियर आगे से दिखाइए तो, ये फ्यूज में दिक्कत है 15 एम्पियर में, मोटर का फ्यूज है ये उड़ा हुआ है। इसको मैं चेंज करता हूँ, अच्छा वाला फ्यूज लगाता हूँ। देखिए मैं अच्छा वाला फ्यूज लगा रहा हूँ, दिख रहा होगा। इसको मैं इसमें लगाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ।
दिख रहे हैं यहाँ पर इसका लोकेशन यही है, दिख रहा है ये फ्यूज, ये 15 एम्पियर, 10 एम्पियर छोड़ के 15 एम्पियर जो फ्यूज है, यही फ्यूज उड़ा हुआ था, इसको लगा दिए। अब मैं स्टार्ट करके देखता हूँ, देखिए अब स्टार्ट करके मैं देखता हूँ इसको, स्टार्ट तो हो गया, फ्यूज ही उड़ा हुआ था, दिखाते हैं आगे आपको। देखिए स्टार्ट तो हो गया है, इसका फ्यूज का ही मसला था, फ्यूज आखिर काहे उड़ा वो भी बताते हैं, छोड़िए वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक जगह से वायर शॉर्ट था, इसके कारण फ्यूज उड़ गया था मोटर टंकी मोटर का।